नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम आज सवेरे में। वी डू होप द डे स्टार्ट्स ऑन अ नोट ऑफ जॉय, पॉजिटिविटी एंड ब्रिंग्स टू यू अ लॉट ऑफ सनशाइन एंड स्माइल्स। हम ये उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत खूबसूरत हो। आइए जानते हैं आज का विचार। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। महात्मा गांधी। It is now time to introduce to you our guest for the day. So friends, our guest today is the very eminent, the very versatile and the very renowned actor, dialogue writer and poet Rajesh Tailang, who has mesmerized audiences all over the globe with his extremely realistic portrayals. It is indeed my privilege and pleasure today to welcome him to Aaj Savere. Bahut bahut swagat hai aapka hamare is program mein. Thank you Nidhi ji, thank you very much for calling me here. To shuruaat karna chahungi Rajesh ji, aapki jo film hai Siddharth, isko itni international acclaim mili, aapko Louisiana festival mein you got the best actor award. It was nominated at the Canadian Film Festival, which is very, very prestigious. You rubbed shoulders with the best of the world. And kya zehen mein aaya jo aapne film kari? Zehen mein to aisa nahi. Mere paas is film ka offer aaya, to maine ki. Lekin uski journey thodi si lambi hai. Matlab in the sense, Richie Mehta iske director the. Aur unke saath main bahut saalon pehle, kareeb 10 saal pehle ek film ki thi maine. Aur us film ka naam tha Amal. उस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह थे, सीमा विश्वास थी, रोशन सेठ थे और रुपिंदर नागरा जो मेन रोल कर रहे थे। ऐसे करके काफ़ी अच्छे एक्टर्स थे और बहुत ही अच्छी एक दिल्ली के ऑटो रिक्शा ड्राइवर पे कहानी थी वो, और एक छोटा सा करेक्टर भी किया था। मैं चाहता था कि नसीर भाई के साथ मुझे कभी, वो मेरे टीचर रहे हैं तो उनके साथ चाहे एक भी सीन करने को मिले मैं करना चाहता था। तो इसलिए मैंने उसमें एक दो सीन का करेक्टर किया था जिसमें नसीर साहब के साथ एक्टिंग करने का मुझे मौका मिला था। वो करीब 10 साल पहले 2007 की बात है। Dearest Amal, I searched the streets of Delhi for years for any trace of goodness and almost gave up. But after meeting you, I realized something I hadn't before, that the poorest have wealth no rich man can ever dream of. You have given me the most valuable gift of all, and the fortune I leave you is nothing in comparison. Do not trust my friends or my children, Amal. They do not possess what you do and will attempt to manipulate and cheat you. Only trust Ms. Agarwal. Richie Mehta, फिर काफी वक्त बाद सर 2012-13 में जब ये फिल्म बनाने का सोच रहे थे और जब बनाई तब उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि एक स्टोरी लिखी है और वो मुझे लगता है कि आप पे सूट करती है और आप करें, तो मुझे उसका एक खाका भेजा कि नाउ यू रिएक्ट टू इट, हाउ डू यू सी दिस स्टोरी एंड दिस प्लेइंग आउट। हाँ, और इट इज़ आल्सो अ दिल्ली बेस्ड स्टोरी। तो उन्होंने कहा कि आप डायलॉग्स भी लिखिएगा और मेन कैरेक्टर भी कीजिए जी। तो उन्होंने जो बेसिकली जो स्टोरी लिखी थी वो पहले उन्होंने लिखा था, ये जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जो मैं कर रहा हूँ इसमें महेंद्र सैनी, जो एक जिप फिक्सर है, जो चेन ठीक करने वाले घूमते हैं दिल्ली में, आपने देखे होंगे मेगाफोन लेके ऐसा लाउड स्पीकर लेके बोलते घूमते रहते हैं साइकिलों पे, अक्सर साइकिलों पे या पैदल भी घूमते हैं, मैंने कई जगह देखा। तो ये तो पैदल घूमता है बहरहाल। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि
वो स्टोरी भेजी, वो उस स्टोरी में उनके था कि वो फ्रूट सेलर है, ठेले में एक फल बेचता है। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं एक बदलाव करवाना चाहता हूँ आपसे, अगर आप राजी हों तो, क्योंकि मैं ये हमेशा ये जिपर फिक्सर्स जो घूमते हैं चेन वाले, वो देख के मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग से करेक्टर लगते थे, एक बहुत ही अनयूजल सा एक रोजी रोटी का तरीका है। तो मैं चाहता था कि उसको कभी पोर्ट्रे कर पाऊँ, कि एक मेगाफोन लेना, इतना सा बैग जिसमें खाली एक प्लास है और दो चार चीज़ें हैं जिससे जीविकोपार्जन करते हैं वो लोग, इतनी छोटी सी चीज़ से, और अपने आप को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से माइक्रोफोन मेगाफोन में बोलते हुए घूमते हैं गलियों में, चेन वाला चेन ठीक करा लो, ऐसे बिल्कुल जैसे प्रेशर कुकर वाले भी ऐसे घूमते हैं, ऐसे वाला। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता था, फ्रूट सेलर के बजाय मुझे लगा कि वो इंटरेस्टिंग है, तो इस वजह से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो बदलते हैं। तो फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ, तो मुझे उसके बारे में रिसर्च भेजो। तो मैंने कुछ एक दो तीन लोगों को फॉलो करना शुरू किया, उनके वीडियोस बनाए और उनको भेजा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जिपर फिक्सर में बदलते हैं इसको। फिर उसको बदल के फिर शुरू हुआ। ये फिल्म भी बाल मजदूरी को भी टच करती है, और मेजर चाइल्ड लेबर पे बहुत ज़्यादा इसमें एक संदेश जाता है इस फिल्म के ज़रिए। तो ये एक अनपढ़ सा व्यक्ति है जो अपने छोटे से 12 साल के बच्चे को बाल मजदूरी के लिए भेज देता है लुधियाना, और वो बच्चा कभी आता नहीं, वापस गायब हो जाता है। तो ये अपनी लिमिटेड क्षमताओं में उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली कहानी है एक अ फादर सर्चिंग फॉर हिज 12 ईयर ओल्ड सन हु इज मिसिंग, एंड ही डजंट हैव एनी फोटोग्राफ ऑफ हिज सन। बट हाउ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज बट इट हैपेंस। उम्र क्या है लड़के की? कोई 12 साल का होगा। सुधरोगे नहीं तुम लोग, पहले खुद गलत करते हो बाद में रोते हो। बाल मजदूर है ना, उनका ज्यादा अपहरण होता है। तेरा केस भी वैसा ही कुछ लग रहा है। नाम क्या तुम्हारा? महेंद्र सैनी। लड़के का नाम? सिद्धार्थ कुमार सैनी। The portrayal was so realistic that you received so much of praise and acclaim for this, and you were applauded by the audiences abroad. So वो moment हमें बताएं कैसा था जब आपका नाम अनाउंस हुआ, कैसा लगा, और आपका जो इंटरेक्शन वहाँ की जूरी के साथ हुआ वो कैसा था? जी, मैं थोड़ा सा इसे बताता हूँ कि प्रिपरेशन कैसे की मैंने, वो थोड़ा सा बताता हूँ फिर मैं वहाँ पे आता हूँ। वो दरअसल एक मैंने जो चेन वाले हैं लक्ष्मी नगर इलाके में दिल्ली के, वो चेन ठीक करने का काम करते हैं, घूमते हैं, कादिर भाई हैं, उनके साथ मैंने 3 दिन गुजारे और उनको मैं असिस्ट करता था उनके साथ, उनका बैग पकड़ के चला 3 दिन कि वो उनका क्या इंटरेक्शन है, क्या लाइफ है। और 3 दिनों तक मैंने उनको असिस्ट किया लक्ष्मी नगर की गलियों में पूरे दिन घूमते हुए, और उनके घर जाता था, उनके बच्चों से मिलता था, और उनकी पूरी लाइफ और उनकी ढूंढने की कोशिश करता था कि कैसे है, उनके दर्द को समझने की कोशिश करता था। मतलब आप सोचिए कि एक ये ऐसा रोजगार है जो आपको, आप आधे घंटे में सीख सकते हैं उस रोजगार के बारे में हर चीज। किसी आदमी की पूरी लाइफ, उसके बच्चों की लाइफ उस आधे घंटे की स्किल में सिमटी हुई है, समझ रहे हैं आप। तो वो उनके साथ रहा, तो वो मेरे ख्याल से इतना उनसे जुड़ा हो गया, अभी भी मैं उनसे मिलता रहता हूँ कादिर भाई से। तो उन आधा श्रेय तो मैं कादिर भाई को देता हूँ जिनके साथ मैं रहा और वो कहा। फिर बहरहाल ये फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई, मतलब करीब 55 से ऊपर फेस्टिवल्स में वर्ल्ड ओवर गई, जिसमें काफ़ी मेजर फेस्टिवल्स जैसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वेनिस डेज, इस तरह के बड़े मेजर फेस्टिवल्स में भी गई। कुछ जगह मेरा भी जाना हुआ, हर जगह तो जाना नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी जगह मैं गया। फिर इसमें मुझे एक कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स होता है, जिसको पहले जीनी अवार्ड्स कहते थे, उसमें बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन मिला, और बहुत बड़े एक्टर्स के साथ जिनको हम लोग यहाँ से देखा करते थे और जिनको देख के सीखा करते थे, जैसे कि जेक जिलेनहॉल, ब्रेंडन ग्लीसन, डेनियल रेडक्लिफ, स्टॉलवर्ट्स, उनके साथ
उनके साथ नॉमिनेट होना है। तो वैसे मैं हिंदुस्तान का तीसरा व्यक्ति हूँ जिसको ये नॉमिनेशन मिला है। मेरे से पहले सीमा विश्वास है, उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए, बट आपको लीड एक्टर के लिए मिला है। और रोशन सेठ साहब उनको बेस्ट एक्टर के लिए मिला था। जी जी, ये हुआ। फिर इसके अलावा मुझे दो बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिले। लुजियाना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, वो अमेरिका में होता है, और एक कनाडा में होता है मिसएफ फेस्टिवल, उसमें बेस्ट एक्टर मिला। इस तरीके से तो हम अलग अलग फेस्टिवल्स में गए, बड़े कई लोगों, जैसे एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जॉन वू, है ना, ब्रोकन एरो, और बड़े बड़े फिल्में डायरेक्ट किए उन्होंने। उन्होंने मुझे मिला और कहा कि योर परफॉर्मेंस वॉज फुल ऑफ हार्ट। उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं लगा। एक जिलियन एंडरसन एक एक्ट्रेस हैं बहुत बड़ी, उन्होंने मेरे डायरेक्टर को कहा कि दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस शी हैज सीन इन रिसेंट टाइम्स। एक ऑस्कर विनर एक्टर हैं एड्रियन ब्रूडी, द पियानिस्ट के लिए उनको बेस्ट एक्टर ऑस्कर मिला था। वो मुझे एक ही होटल में, हम लोग ठहरे हुए थे चाइना में, वो मुझे लिफ्ट में मिल गए बीजिंग फेस्टिवल में, वो लिफ्ट में मिल गए, और लिफ्ट में उन्होंने मुझे बोला कि आई लाइक योर वॉक। तो एक मेरे लिए, तो एक तरह से उसने बहुत सारे दरवाजे खोले मेरे लिए बाहर, सिद्धार्थ ने। मगर अगर हम स्टोरी की बात करें तो एंड में क्या होता है, वो बच्चा मिलता है या नहीं? व्हाट इज सो मूविंग अबाउट द फिल्म? बच्चा नहीं मिलता है वो। दरअसल हम लोग इसके बारे में बहुत सोचते रहे कि फिल्म में बच्चा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। फिर अल्टीमेटली सोचा कि दुनिया में इतना सारा है, और असली ताकत इसी में आती है इंसान की, कि अगर गलत परिस्थितियां भी हो जाएं तो यू लाइफ हैज टू गो ऑन। So that was the message और संदेश जो था, जो आपने कहा चाइल्ड लेबर, उसको किस तरह से आपने पोर्ट्रे किया मूवी की, अगर बात करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है जो हर एक तक पहुंचना चाहिए। कितने लाखों ऐसे लोग हैं जो चाइल्ड लेबर पे आंखें बंद करके अपने बच्चों को भेजते हैं। मेरे ख्याल दैट इज व्हाई दिस फिल्म गॉट सो मच प्रोमिनेंस। सो व्हाट वॉज द एग्जैक्ट मैसेज चाइल्ड लेबर के बारे में? जो बाकी कैरेक्टर्स हैं बहुत बोलते हैं, जैसे जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं या और जो सोशल वर्कर्स फिल्म में आते हैं वक्त वक्त पे, बहुत सारे लोग चाइल्ड लेबर के बारे में बोलते हैं और अवेयरनेस पैदा करते हैं। तो ये बंदे जो हैं, जो चाइल्ड लेबर मजबूरी में कराना पड़ता है, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू रखे, लेकिन उसमें कुछ गवर्नमेंट की हमारी स्कीम्स हैं जो मेरे ख्याल से धीरे धीरे बच्चों को एजुकेशन फ्री में मिलना और राइट टू एजुकेशन वगैरह के बाद धीरे धीरे चीज़ें खत्म होने लगी हैं या हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो वो उस तरह की के उस प्रश्न को बार बार एम्फेसाइज किया गया फिल्म में वक्त वक्त पे। ये लोग भी, मेरी वाइफ जो तनिष्ठा चटर्जी प्ले करती हैं, वो ये दोनों कैरेक्टर्स इस जर्नी से गुजरते हैं जब उनको एहसास होने लगता है कि हमने गलत किया है, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। अब तो पॉजिटिव इंडिया की अगर हम बात करें तो इस तरह की बहुत सारी हेल्पलाइंस भी हैं, जैसे 1098 है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, इसमें हमने उसमें बोला भी है फिल्म में भी 1098। हाँ, तुमने 1098 में फोन किया? हाँ, क्योंकि नंबर याद करने के लिए आसान है, 1098 कहने से 1098 याद रह जाता है, जो भी हमारे जो काम, मतलब हर तरह के लोगों को 1098 याद रहे। आपने एक और बहुत बड़ी फिल्म करी जिसे बहुत सराहा गया, मैरी गोल्ड। जी, उस फिल्म का नाम था दी सेकंड बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल। ओके, बड़ा लंबा नाम था, एक ही फिल्म थी। लेकिन ये जॉन मेडन एक डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े नामी डायरेक्टर हैं, जिनकी शेक्सपियर एंड लव बहुत ही उम्दा और बहुत ही फेमस फिल्म है। उनकी पहली फिल्म, ये सीक्वल था, एक फिल्म थी बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल, ये उसका सीक्वल था, दी सेकंड बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल। इसमें रिचर्ड गेयर थे, इसमें क्या बात, हाँ, और जिनको हम प्रिटी वुमन और कहां से देखते हैं, कहां से देखते हैं, ग्रीक गॉड, उनके साथ एक ही सीन था मेरा हालांकि, लेकिन वो थे जूडी डेंच, इतनी मेरे ख्याल से 2 times ऑस्कर विनर, और मैगी स्मिथ, बिल नाय, फिर देव पटेल उसमें थे हीरो, और मेरे अपोजिट थी सेलिया इमरी, एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है। तो वो बूढ़े लोग यहाँ, विदेशी लोग यहाँ इंडिया में आके एक होटल में रहना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि अब हिंदुस्तान में पूरी जिंदगी बिताएंगे। ये है, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा मजेदार जगह है। अगर हम आपकी सीरियल्स की बात करें तो आपने 1084 की माँ करा,
वो मेरी पहली फिल्म थी, पहली फिल्म थी बेस्ड ऑन द नॉवल, नॉवल ऑफ महाश्वेता देवी 1084 के बाद नक्सलाइट मूवमेंट पे उन्होंने लिखी थी एक नॉवल, उस पे ये गोविंद निलानी जी ने फिल्म बनाई थी। गोविंद निलानी जी के साथ मैंने 3 फिल्में की थी जी, 1084 की माँ, तक्षक और देव। 1084 की माँ मेरी पहली फिल्म थी, ये मेरे ख्याल से 97 की फिल्म है। मैं एंड गोविंद निलानी इज ह्यूज, बहुत बड़े डायरेक्टर और आर्ट सिनेमा के, सो ही गिव यू द फर्स्ट ब्रेक। फर्स्ट फिल्म मेरी गोविंद निलानी जी के साथ थी और फर्स्ट फिल्म में मैंने, जब मैं 26-27 साल का था और मैंने उस फिल्म में रोल किया 60 साल के बूढ़े का, पहली ही फिल्म में, सीमा विश्वास इज हस्बैंड, जया बच्चन की कमबैक फिल्म थी वो 1084 की माँ। वो एक माँ की कहानी है जिसका बेटा नक्सलाइट मूवमेंट में जुड़ जाता है और मारा जाता है और उसको बाद में रियलाइज पता चलता है कि वो ऐसा था और वो उसी उधेड़बंद से गुजर रही है कि मुझे वो सही था कि नहीं, हाँ मैं जानती नहीं थी। बिल्कुल, तो वो था उसमें जो 4-5 बच्चे होते हैं वो अलग अलग उनके मदर फादर थे, तो एक गरीब परिवार है, उसके मदर फादर मैं और सीमा जी थे, तो वो पहली फिल्म में मुझे बड़ा डर लगा था, मुझे पहले उन्होंने किसी और रोल के लिए कास्ट किया था, वन ऑफ द नक्सलाइट्स, लेकिन बाद में पता नहीं उन्होंने मुझे इसके लिए कास्ट किया कि दिस इज अ बिगर रोल एंड मोर चैलेंजिंग रोल फॉर यू मैंने कहा सर मेरी पहली फिल्म में मुझे आप बड़ा बुड्ढा बना देंगे, तो कह रहे नहीं अनुपम खेर और देखो इतने सारे लोग हैं, तो मैंने कहा ठीक है सर मैं तो एक्टर हूँ, तो पहली फिल्म में ऐसे। दूसरी और दो फिल्में आप कह रहे हैं बनी गोविंद जी के साथ, वो कौन सी? तक्षक एक थी अजय देवगन तब्बू, उसमें एक छोटा सा चरित्र किया था, गोविंद जी जो बोल देते थे मना नहीं कर सकते थे वैसी वाली बात थी। देव एक फिल्म उनकी काफी वक्त बाद की थी मैंने 2003 या 2004 में, अमिताभ बच्चन ओमपुरी साहब थे उसमें, फरदीन खान करीना कपूर थे, तो मैं अमिताभ बच्चन का बड़ा फैन रहा हूँ, जैसे कि हम सब लोग मतलब जो मेरी उम्र के हैं वो उन्हीं की फिल्में देखते पले बड़े हैं और मेरे जैसे लंबे हो जाएं तो और ज़्यादा यार दोस्त कर देते हैं। तो गोविंद जी को मैंने कहा सर आप अमिताभ बच्चन साहब के साथ फिल्म बना रहे हैं, मुझे एक फ्रेम का रोल दे दीजिए जिसमें एक फ्रेम में उनके साथ खड़े होने का मुझे मौका मिल जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सोचूंगा। फिर बाद में मुझे उन्होंने एक दिन बुलाया और कहा कि एक फ्रेम नहीं, तुम्हारे जितने भी फ्रेम हैं उन्हीं के साथ हैं और लास्ट में तुम उनको मारते हो। मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैं करना चाहूँगा। तो ऐसा क्या है कि आपको जो कास्ट किया जाता है वो सब CID, पुलिस, रॉ एजेंट, इसी तरह के रोल मिलते हैं, यू बीन काइंड ऑफ टिपिफाइड इन दीज रोल्स, हाउ कम? पता नहीं, मैं मुझे तो लगता है मैंने अलग अलग तरह के रोल किए हैं लेकिन कुछ अभी लेटली ऐसा हो रहा है कि मैं रॉ एजेंट हो गया, ISI, मतलब अगर वो जो काउंटर पार्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान के लिए, और या पुलिस वाला या वकील, इस तरह के चरित्र अभी मेरे को काफी मिल रहे हैं। वकील की आपने बात की तो मुझे हसीना पारकर की याद आ गई जो इतनी चली फिल्म, और श्रद्धा कपूर ने आपके लिए बहुत तारीफ के पुल बांधे, तो वो बताइए उसके साथ वर्क करने का क्या एसोसिएशन रहा? फिल्म दरअसल जो दाऊद अब्राहम दाऊद हैं जी, बिल्कुल उनकी जो बहन हसीना पारकर थी उनकी बायोग्राफी थी एक तरीके से, लेकिन वो एक कोर्ट केस पे थी, उनके ऊपर जो केस हुआ उस पे ही पूरी फिल्म घूमती है, और वो कोर्ट केस उनके तरफ से जो वकील थे वो थे श्याम केशवानी, एक रियल वकील है, बड़े नामी वकील है बॉम्बे के, तो मेरी शक्ल श्याम केशवानी से थोड़ी सी मिलती है, तो उन्होंने, हालांकि श्याम केशवानी भी बहुत बूढ़े हैं और उनके गंजे हैं, बाल सफ़ेद हैं, तो उस तरह का गेटअप मेरा बनाया गया और मैंने किया। उसमें मुझे 2 घंटे लगते थे मेकअप करवाने में क्योंकि पूरा गंजा वो विग लगना होता था गंजे का और एजेड होना होता था, तो वो था, तो पूरी स्टोरी उसी में चलती है, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा उस दौरान। अपूर लाखिया बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जो हमेशा बहुत सपोर्टिव थे, फिर हम लोगों ने बहुत रिहर्सल्स की क्योंकि श्रद्धा कपूर जो प्ले कर रही थी वो भी उनकी जर्नी थी, कोई एक 14 साल की लड़की से लेके 48 साल की औरत तक की, तो वो बहुत ज़्यादा उनका भी बहुत था और वो बहुत मेहनत करना चाहती थी क्योंकि उनको इतना चैलेंजिंग रोल था उनके लिए भी, वो जनरली टिपिकल एक हीरोइन की तरह से अभी तक उन्होंने काम किया था, तो बहुत मेहनत करती थी। हम लोग बहुत रिहर्सल्स करते थे साथ में, पहले हमने रिहर्सल्स की और साथ में भी बहुत वक्त गुजारा, तो वो मतलब सो नाइस ऑफ हर कि वो मेरे बारे में अच्छा बोली। यू वर्क्ड विद द किंग ऑफ सिनेमा एज ही इज कॉल्ड टुडे, अनुराग कश्यप जी, जिनकी अब पिक्चर आने वाली है मुक्केबाज, विच इज बेस्ड ऑन
sports and the industry of sports and how much we can better sports for India. So, कैसा रहा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस और क्या-क्या सीखा आपने उनसे? ये फिल्म का नाम है मुक्काबाज कि यही फर्क है कि मुक्काबाज मतलब जो ऐसे ऐसी मारपीट के लिए चलाते रहते हैं मुक्केबाज प्रोफेशनल वो होता है रेसलर जो बॉक्सर तो ये फिल्म बेसिकली वैसे तो लव स्टोरी है एक जो मतलब यूपी में बेस्ड है और उसमें बेसिकली बैकग्राउंड में उसमें ये है कि कास्टिज्म के बारे में भी बात है कि ऊंच नीच जो हमारे समाज में अभी भी वक्त वक्त पे सामने आता है और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स होती है कि कई अच्छे प्लेयर्स बेचारे दबे रह जाते हैं छोटे शहरों में और उनको सपोर्ट नहीं मिलता वो भी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तभी तो उसमें मैं उनके जो जो मेन विनीत कुमार सिंह बहुत अच्छे एक्टिंग कर किए उन्होंने जो मेन रोल किया है श्रवण का उसमें मैं उनके फादर का कर रहा हूँ और फादर एक ऐसा हारा हुआ से व्यक्ति है जो इलेक्ट्रीशियन है और सिनिकल हो चुका है दुखी रहता है हमेशा सिनिकल हो चुका है बिल्कुल मतलब कड़वाहट आ गई उसकी जिंदगी में और वो चाहता है कि बच्चा ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग में कुछ नहीं रखा तुम यार थोड़ी नौकरी वोकरी कर लो कहीं पे शादी करो और मस्त रहो जैसे एक टिपिकल फादर होते हैं तो बाप बेटे के सीन्स बहुत प्यारे बने हैं मतलब वो फनी है लेकिन बहुत ही उनमें मैसेज है कि कितनी मजबूरियों से एक आम परिवार को गुजरना पड़ता है अगर किसी बच्चे के अंदर ज्यादा पानी की चाहत हो आप बात कर रहे थे अनुराग कश्यप जी की कुछ उनकी वर्किंग स्टाइल के बारे में भी बताई कि किस तरह की वो लाइफस्टाइल जीते हैं और किस तरह वो किरदार को समझाते हैं कि तुम ऐसे ही करना है इस तरह से तुम ढल जाओगे रोल में जी अनुराग बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कोलैबोरेटिव वर्क होता है एक थिएटर में हम लोगों का जैसा माहौल होता है कि सब मिलजुल के काम करते हैं बहुत हायरार्की और उस तरह का जो वेरी इंक्लूसिव हाँ बहुत इंक्लूसिव और आपके ओपिनियंस की भी रेस्पेक्ट रखते हैं और बहुत ही कोलैबोरेटिव और अच्छे मेरे ख्याल से मतलब एक्टर्स के लिए अनुराग कश्यप के साथ काम करना एक बहुत ही सीखने का भी होता है और मौका तो अच्छा होता ही हमेशा अनुभव जी जी तो अनुभव तो है और वो क्योंकि खुद एक्टर हैं और खुद राइटर भी हैं तो जब जो डायरेक्टर होता है वो एक्टर भी होता है राइटर भी होता है तो हम एक्टर्स को कई बार प्रॉब्लम होती हैं एक्टिंग प्रॉब्लम्स जिनको कहते हैं ना कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता कई बार किसी चीज़ को कन्वे करने के लिए तो खुद ही स्ट्रगल करते हैं एक्सप्लोर करते हैं कोई एक्टर्स के साथ या डायरेक्टर्स कोई सजेशन देते हैं कई दफ़ा तो अनुराग जिस तरह के सजेशंस देते हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं बड़े जो क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ जानते हैं खुद एक्टर हैं और लाइंस में बदलाव कर देंगे आपके लिए अगर जरूरत है और आपको अपनी लाइंस बनाने की अनुमति भी देंगे और पहले से वो नहीं चाहते कि बहुत प्रिपेयर्ड हो क्या है इस फिल्म में तो उन्होंने मुझे पहले से प्रिपेयर होने के लिए नहीं कहा था मुझे कहा था राजेश आ जाओ बस आ जाओ और फिर बात करेंगे और कई बार ऐसे फर्रे में लिख के डायलॉग पकड़ा देते थे एंड टाइम पे कि ये बोलो यार ये चेंज कर दिया इतना सा कागज का टुकड़ा तो उससे एक फ्रेशनेस आती है परफॉर्मेंस में कि स्पॉन्टेनिटी आती है तो वो चैलेंजिंग भी होता है अदरवाइज मैं जैसे इस तरह का एक्टर हूँ कि मैं थोड़ा तैयारी से काम करना पसंद करता हूँ और पहले से प्रिपेयर करके रोल को उसका पूरा ग्राफ बना के पूरा मैं कोशिश करता हूँ ऐसी करने की लेकिन ये एक दूसरा तरीका है तो वो चैलेंजिंग था लेकिन उससे बहुत रिजल्ट भी उस तरह का मिलता है किस तरह के सीन थे इसमें आपके आप ज्यादातर बाप बेटे के सीन्स हैं बहुत हाँ जो वो बाप अगर बेटा कुछ थोड़ी सी भी उसको कोई अवार्ड भी मिला है तो भी उसकी वो मजाक बनाएगा या उसको ताने देगा और हर वक्त मतलब इस तरह के ध्यानचंद हॉकी खेल के अपना घर नहीं चला पाए तुम मुक्काबाजी करके चलाओगे क्या पान खाए हैं थूक दो कहाँ ठूके हैं हमारे मुँह में थूक दो सपनों पे थक चुके हो इज्जत पे मर चुके हो मुँह में थूक दो यहाँ मैं पूछना चाहूंगी आपने कबीर खान के साथ काम किया इतने जाने माने डायरेक्टर हैं वो भी और आपने उनके साथ फैंटम फिल्म में काम किया तो कैसा रहा वो पूरा एक्सपीरियंस सैफ अली खान और कैटरीना कैफ के साथ और फैंटम में काम करने का 2015 में आई थी ये जी, फिल्म जी 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 फैंटम में बड़ा मजा आया क्योंकि उसमें चार रॉ एजेंट होते हैं जो एक सैफ अली खान थे एक मैं था और एक चितरंजन गिरी थे एक जीशान अयूब थे जी जी और हम सारे लोग ज्यादातर लोग तो हम तीनों एनएसडी के थे हाँ तो एक तो मेरे क्लासमेट ही थे चितरंजन गिरी और एक जीशान मेरे एनएसडी के हैं मेरे बात के हैं लेकिन दोस्तों हैं ही तो वो एक अलग मजा था उसका फिर कबीर भी बहुत ही दिल्ली के ही हैं वो हमारे थिएटर जानते हैं जामिया से पढ़े हुए हैं तो वो थोड़ा
यहाँ के कल्चर के हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करना बड़ा आसान होता है और वो बहुत सपोर्ट करते हैं. तो उस तरीके से किया. उसमें भी मेरा उसमें भी मुझे रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिले. और उसमें इनफैक्ट जो बहुत बड़ी फिल्म क्रिटिक है भावना सुमाया, उन्होंने तो कहा कि पूरी फिल्म में बेस्ट परफॉर्मेंस राजेश तैलंग का था. रियलिस्टिक सिनेमा की बात करी जाए तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सी इन पैरेलल सिनेमा एंड इन यू नो कमर्शियल सिनेमा, एंड व्हिच वन डू यू प्रेफर एंड व्हाई? नहीं, मेरा ऐसा नहीं है कि कोई अलग है. और अभी तो वो लाइंस बहुत ब्लर हो रही हैं. हाँ, बिल्कुल. कि पैरेलल सिनेमा और वो उस तरह के नहीं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं. नए डायरेक्टर्स इतने अच्छे आए हैं और वो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स को उठा रहे हैं, तो वो एकदम टिपिकल कमर्शियल और एकदम उस तरह की उतनी अब सिचुएशन रही नहीं जैसी कि 80s और 90s में. बिल्कुल वो डिमार्केशन साफ था ना, कि एक तरफ गोविंद निलानी जी, श्याम बेनेगल और केतन मेहता और ऐसे लोग बिल्कुल अलग तरह की फिल्में बना रहे थे और कमर्शियल फिल्में बिल्कुल अलग बन रही थी. अभी लगभग सब लोग, बहुत अच्छा वक्त है मुझे लगता है कि जिस तरह के दिवाकर बनर्जी, अनुराग कश्यप, हंसल मेहता साहब और इस तरह के बहुत सारे डायरेक्टर्स अभी जो काम कर रहे हैं, तो जो 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 जनता भी सब लोग देखना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है. बिल्कुल. आप नसीरुद्दीन जी के बारे में बता रहे थे कि वो आपके टीचर थे और आपने बहुत कुछ सीखा, तो एनी वाकया या किस्सा जो आपको याद आया? नहीं, वो टीचर थे और एनएसडी में हमें पढ़ाने आए थे और बड़ा अच्छा और बहुत अच्छे टीचर हैं वो और बहुत प्यार करने वाले टीचर हैं. और उसके बाद मेरे को पहली बार वो अमल में उनके साथ एक्ट करने का मौका मिला था. जो डायलॉग्स मेरे ही लिखे हुए थे तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, तो उन्होंने कहा तेरे तो डायलॉग लिखे हुए हैं यार. और मुझे उनको मारना था और गाली देनी थी उस सीन में. बहुत टफ चीज है, तो मैं दे नहीं पा रहा था. तो उन्होंने कहा यार तू भूल जाएगा मेरा स्टूडेंट अभी थोड़ी देर के लिए. तो उन्होंने बहुत वो किया था. लेकिन मैं जो किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा वो सिद्धार्थ के लिए. सिद्धार्थ में उन्होंने मेरे फादर का कैरेक्टर किया. वो छोटा सा है, उनका चेहरा नहीं है, उनकी आवाज है. और बिल्कुल क्रूशियल मोमेंट पे आती है जब फिल्म खत्म हो रही होती है, तो वो बाप से बात करता है और एक निर्णय पे पहुंचता है. तो वो नसीर साहब ने किया था. तो जनरली फोन कट लेना है तो दूसरे एक्टर का होना जरूरी नहीं है. समझ रहे हैं आप? तो ये उनका बड़प्पन और उनका ये है, या फिल्म या एक्टिंग दोनों के लिए, आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग सिनेमा या एक्टिंग के लिए उनके इतने रिस्पेक्ट है कि उन्होंने कहा कि मैं घर में बैठा हुआ हूँ, तुम वहाँ पे शॉट दे रहे हो, बॉम्बे की गली में कहीं पे मैं शॉट दे रहा हूँ. उन्होंने कहा तुम मुझे मोबाइल पे कॉल करना और मैं तुम्हें घर में बैठ के क्यूज दूंगा. उनकी क्यूज ना रिकॉर्ड हो रही है और ना उनको बैठने की जरूरत है. कोई भी क्यू असिस्टेंट दे सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैं घर में 8 बजे रहूंगा एंड आई विल गिव यू क्यूज. तो मैंने उनको फोन किया वहां लोकल फोन नंबर से, सिक्का डालने वाले से, और उनको मोबाइल पे फोन किया. वो वेट कर रहे थे क्यूज देने के लिए मेरे को. उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट सीन है. तो ये एक महान टीचर की ही निशानी हो सकती है. और खासतौर पे इस फिल्म के पहले भी उन्होंने कहा कि तुम लोग अच्छा कर रहे हो काम, तो तुम घर आ जाओ. तो मुझे तनिष्ठा को घर में बुलाया कि चलो एक्टिंग का रिफ्रेश करते हैं, एक दिन का कोर्स करते हैं. तो एक दिन का थोड़ा सा रिफ्रेश हमें फिर से किया. तो ही सच अ ग्रेट टीचर एंड अ ग्राइट एक्टर. दैट्स व्हाई ही इज अ ग्रेट एक्टर. Absolutely. अब बात कर रहे थे अभी हंसलाल जी की कौन सा आप एक मूवी आ रही है आपकी, उनके साथ अब उसकी बात करना चाहेंगे हम आपसे. हंसल मेहता जी की फिल्म आ रही है अभी वो तो उसका डेट फिक्स नहीं हुई है. उसका नाम है उमेरटा. उमेरटा एक इटालियन वर्ड है. उमेरटा का मतलब होता है साइलेंस. मतलब जब किसी को इंटरोगेशन में निकल जबान उसकी खुलवाई जाती है उस वक्त वो चुप रहता है ना, उसको उमेरटा बोलते हैं. तो ये उस पर है. उमर शेख एक पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जिनको IC-814 जब हाईजैक हुआ था, बिल्कुल उसमें जिन टेररिस्ट को छोड़ा गया था उनमें से एक थे उमर शेख. इन्होंने डिमांड रखी थी जो 5 लोगों को छोड़ा गया था उनमें से एक उमर शेख था. ये उमर शेख की लाइफ पे है. और उमर शेख एक पढ़ा लिखा लड़का था लंदन का, जो राजकुमार राव कर रहे हैं उसमें. और मैं ISI के जो चीफ थे उस समय जनरल महमूद, वो चरित्र कर रहा हूँ.
यहाँ पे बात करना चाहूंगी आपकी चांद पे चाय एक सीरीज आपने लॉन्च करी है, जिसमें आप कई उभरते कलाकारों को, पोएट्स को स्पेस दे रहे हैं, तो उसकी कुछ कविता हो जाए। मैंने क्या है कि एक यूट्यूब में चैनल बनाया थिएटर टॉकीज, उसमें हम कुछ लोग मिलके काम करते हैं और कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं वुमेन इश्यूज पे, एम्पावरमेंट पे, और इस तरह की पोएट्री पे और लिटरेचर पे। तो मैंने सोचा कविताओं पे एक सीरीज होनी चाहिए, तो चांद पे चाय, तो वो मैंने एक सीरीज शुरू की जिसमें बहुत से कवियों को बुलाता रहता हूँ, बीच बीच में खुद भी पढ़ लेता हूँ, कवि हूँ। तो वो ये था कि उसका जो मेन लाइन है वो तीन यही है कि जब हम मिलना बंद कर देंगे तब हम कविताओं में मिलेंगे, आओ चांद पे एक चाय हो जाए। बहुत सुंदर, तो कुछ सुनाइए इनमें से। मैं ज़्यादातर प्रेम कविताएं लिखता हूँ और मुझे लगता है कि क्रांति प्रेम के जरिए ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और वो क्रांति किस काम की जिसमें प्रेम ना हो। तो एक ऐसी प्रेम कविता सुनाता हूँ। सिक्का सिक्का जमा करते जाना होता है दस्तूर, सिक्का सिक्का जमा करते जाना होता है दस्तूर, प्यार एक मिट्टी की गुल्लक। यूं तो एक पैसा भी चुराना मुश्किल है इसमें से, यूं तो एक पैसा भी चुराना मुश्किल है इसमें से, और वैसे चाहो तो एक पल में तोड़ दो इसे। गुल्लक बड़ी नाजुक होती है, मजबूत होता है न तोड़ने का वादा इसे, महफूज रखता है जो कच्ची गुल्लक को, प्यार एक मिट्टी की गुल्लक। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आप इतना सुंदर लिखते हैं, इतने अच्छे डायलॉग लिखते हैं, कई बार आपको लगता है कि जब आपको डायरेक्टर कह रहा है कि मुझे ऐसा सीन चाहिए तो उसके डायलॉग लिखो, तो डू यू डू इट अकॉर्डिंग टू योर विश और डू यू गो बाय द विश ऑफ द डायरेक्टर? कई बार एक हो जाता होगा ना। देखिए, एक होना ही कोशिश हमेशा यही होती है और वही कोलैबोरेटिव वर्क होता है। आप भी सजेशन देते हैं, उनका भी समझने की कोशिश करते हैं, आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते हैं और उसको लेके चलना होता है। लेकिन कई दफ़ा मैं ये कहता हूँ कि फिर भी मैं मानता हूँ, चाहे एक्टिंग कर रहा हूँ चाहे लिख रहा हूँ, डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप है, वो चीज़ों को बड़े तौर पर समझ रहे होते हैं। हमें कई बार वो उतने वृहद स्केप में, हमको वो चीज़ें कई बार दफ़ा नहीं दिखाई देती हैं। तो जहाँ पे भी अगर डायरेक्टर अपने कहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, तो मुझे लगता है वो वाजिब है और मैं उनके साथ जाता हूँ। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहे इतने टाइम, तो तब आपने क्या सोचा था कि मुझे खाली एक्टिंग करनी है या खाली डायलॉग लिखना है? व्हाट वाज इट दैट इंटरेस्टेड यू? एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड थ्रू लव, बट आई से कि एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड थ्रू एक्टिंग। चाहे डायरेक्शन कर रहा होता हूँ उसमें भी मेरा एक्टर मुझे काम आता है, चाहे राइटिंग कर रहा हूँ उसमें भी मेरा एक्टर काम आता है मुझे उसमें इस तरीके से। और हालांकि NSD में मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एक्टिंग में किया है 93 में। जी, तो क्या याद आते हैं आपको कुछ किस्से NSD के, कुछ शेयर करेंगे? किस चीज़ में आपका, कौन सी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था? एक्टिंग ही था, और एक चीज़ में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, वो था डिक्शन, हिंदी उच्चारण, उसमें बहुत था। हमारी बहुत अच्छी टीचर थी वीना मेहता, उनसे बहुत सीखा। उसके बाद से मेरा इतना ध्यान हुआ कि मैंने फोनेटिक्स की पढ़ाई की, ध्वनि विज्ञान की और लिंग्विस्टिक्स की, और आज मैं पिछले 10 सालों से NSD में डिक्शन पढ़ाता भी हूँ। तो एक जो खास सब्जेक्ट था जिसमें मेरी इंटरेस्ट ज्यादा जागा वो था डिक्शन, और मैं वो पढ़ा भी रहा हूँ NSD में पिछले 10 सालों से। हाँ, उसके आप FTI की फैकल्टी में भी पढ़ाते हैं? FTI विजिटिंग फैकल्टी की तरह से FTI, NID, IIMC, कुछ IIMC दिल्ली में और कई जगह जाना होता रहता है, बट NSD में रेगुलरली करता हूँ। और NSD का ये किस्सा सुनाता हूँ आपको मैं, जो बिल्कुल शुरुआत का जो पहला नाटक हमने किया वो बैरी जॉन साहब के साथ किया। अरे, बड़े डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ से वर्कशॉप अभी भी होती है। हाँ, नहीं, उनके यहाँ से शाहरुख खान, मनोज वाजपेयी, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ काम किया, सीखा। तो हमारे भी टीचर थे वो, और उनके साथ पहला नाटक ही किया हमने। उस नाटक में, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बच्चन साहब का बहुत फैन हूँ, तो मैं जब राजस्थान में थिएटर करता था तो लोग मेरे को कहते थे एक्टिंग तो अच्छी करता है ये, लेकिन क्या है कि बच्चन साहब का प्रभाव दिखाई देता है इसमें, वो असर आता है कुछ मेरे जेस्चर में, बोलने में कहीं आ जाता होगा प्रभाव था। तो मैंने पहला ही नाटक कर रहा था NSD में, तो मैंने बैरी जॉन साहब को बोला कि सर मुझे ये सब लोग बोलते हैं तो इससे मेरी आप मुक्ति दिलवाइए। तो बैरी जॉन साहब बहुत कम बोलते हैं, उन्होंने कहा
ओके। और अगले दिन वो आए और उन्होंने कहा तुम ये वाला रोल कर रहे हो और ये वाला रोल ऐसे करना है, ये अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है और ये पूरा अमिताभ बच्चन बनाना है तुम्हें। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा सर ये तो उल्टा तरीका हो गया, आप मेरी और आदत डाल दोगे। उन्होंने कहा करो बस। और उसके बाद मैंने किया तब मुझे समझ में आया, क्योंकि जब मुझे फोर्सफुली अमिताभ बच्चन जैसा काम करना था तब मुझे समझ में आया कि कौन सी चीज मेरे नेचुरली आ जाती है और कौन सी चीज मुझे लानी पड़ रही है। तो मेरे और उनके बीच का फर्क मुझे जाहिर हुआ और उसके बाद से मुझे कभी वो समस्या नहीं हुई। तो ऐसे ग्रेट टीचर्स होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। आप दूरदर्शन के साथ बहुत जुड़े हुए हैं शुरू से, और आपके जो ब्रदर हैं इतना नाम, योर लेट ब्रदर सुधीर तैलांग, वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट कार्टूनिस्ट, एंड क्या मेमोरीज हैं आप जो शेयर करेंगे उनकी, अपने ब्रदर की और दूरदर्शन की? मेरे ब्रदर के साथ बहुत पुराना नाता है। हम जब छोटे होते थे तो मेरे पिताजी की प्रिंटिंग प्रेस थी, तो प्रिंटिंग प्रेस में वो क्या था कि सारे पिक्चर हॉल के टिकट हमारे यहाँ छपते थे, तो हमें फिल्म देखना बहुत आसान हो जाता था। तो हम बच्चे थे तो पिताजी ले जाते थे साथ में और हमें बैठा देते थे पिक्चर हॉल की जो प्रोजेक्टर विंडो होते हैं उसके पास स्टूल में, तो हम खिड़की से देखते थे तो ये प्रोजेक्टर लाइट नाच रही है और उस पर देखा करते थे। तो बड़ा शौक था, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ प्रोजेक्टर ऑपरेटर बनूंगा। भैया कहते थे कि मुझे बनना है गेटकीपर कि फिल्में देखने को मिले, तो ये तो मजाक में कहा करते थे। लेकिन इस वजह से ये हुआ, तो फिर हमारे पिताजी ने हमको एक हैंड ऑपरेटेड प्रोजेक्टर लाके दिया फिल्मों को देखने के लिए, तो हम लोग चलाया करते। तो इस तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन भैया ने सबसे पहले दूरदर्शन के लिए एक मेरे ख्याल से 87 की बात होगी, मैं तो बहुत छोटा था लेकिन उनको असिस्ट करता था, तो एक दूरदर्शन के लिए एनिमेशन सीरीज बनाई थी लप्पू, और जिसमें सिविक सेंस पे थी कि चिड़ियाघर में जानवरों को ना छेड़ें और यहाँ ना फेंके। दूरदर्शन में एक बहुत ही पुरानी टाइप की मशीन होती थी, मुझे मालूम नहीं कि उसको कलर बॉक्स मैजिक बॉक्स क्या कहते थे, जिसमें समाचार मौसम के समाचार दिखाए जाते थे वो टेक्निक से, उसमें एनिमेशन करके किया था। फिर हमने बहुत सारे दूरदर्शन के लिए वो भी बनाए डॉक्यूमेंट्रीज, एक टॉक शो बनाया था मेरा मेहमान जी, उसमें बड़े बड़े लोग आए, उसको मेरे ख्याल से 2007 का बेस्ट कमीशन कैटेगरी अवार्ड भी मिला था दूरदर्शन की तरफ से ही। तो भैया के साथ वो वाला बहुत सारा काम किया था, इनफैक्ट वो ही मुझे एक्टिंग के लिए भी लेके आए। पहली दफा उन्होंने ही मुझे NSD में बच्चों की वर्कशॉप में दाखिल करवाया। एंड योर पेरेंट्स वर वेरी कीन कि आप दोनों कुछ भी कर लो, मतलब दे डिडंट काइंड ऑफ फोर्स यू डॉक्टर बन जाओ इंजीनियर बन जाओ, ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली आर्टिस्ट की फैमिली है जी। सभी लोग, मेरे चाचा जी सितार बजाते हैं, दादाजी ध्रुपद सिंगर थे और एक चाचा गिटार बजाते हैं, मेरे कजिन्स एक सितार बजाता है एक सरोद बजाता, ज्यादातर म्यूजिशियंस की फैमिली है, पेंटर्स राइटर्स ऐसे हैं, तो मोस्टली सारे लोग हैं। तो कभी भी हमें इस चीज के लिए कभी नहीं रोका गया और हमेशा बढ़ावा ही दिया। और ब्रदर ने भी खूब एनकरेज किया, तो सबसे अधिक किया। ये बताएं कि आप अपना पूरा दिन का अगर हम पूछे तो किस तरह स्पेंड करते हैं, हाउ मच टाइम डू यू गिव फॉर फिटनेस एंड योग एंड हेल्थ इश्यूज? देखिए मैं टू कीप काइंड ऑफ फ्रेश, बिकॉज़ व्हेन यू आर अ राइटर यू रियली नीड टू थिंक ना। जी जी जी, राइटर और चाहे एक्टर के तौर पे भी, देखिए मैं कभी भी जिम जाने वाला कभी रहा नहीं वैसा, तो वैसे उस तरह की कभी मेरा रूटीन रहा भी नहीं मेरा कभी, लेकिन योगा का बहुत रहा हमेशा महत्व, क्योंकि हमारे NSD में भी योगा एक रेगुलर इनपुट होता है। अच्छा, फॉर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर वॉइस ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए तो वॉइस के लिए ब्रीदिंग परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और योगा के जरिए तो जितना बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और उसके अलावा पूरा बॉडी का अलाइनमेंट, एक राइट पोस्चर जस्ट आपकी बॉडी को मिलता है। लेकिन योगा बहुत अच्छा है, मैं खासतौर पे योगा में थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन अधिक मेरी जो पसंदीदा एक्सरसाइज है वो है सूर्य नमस्कार। मुझे लगता है वो एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, ज़्यादा नहीं कर पाऊँ तो सूर्य नमस्कार जरूर कर लेता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे हम और आप देखते हैं योग सूत्र। सेतु बंधासन, ऊर्ध्वमुखी या पीठ के बल लेटकर की जाने वाली मुद्राओं की ओर। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें, बाहों को शरीर के किनारे रखें, दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं, दोनों एड़ियों को कसकर पकड़ें।
सांस भीतर लें, धीरे धीरे नितंबों तथा धड़ को पुल बनाने के लिए उतना ऊंचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आराम से रहें, यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है। ये पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब सांस छोड़ें, धीरे धीरे मूल स्थिति में आएं और विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाएं। कृपया ध्यान रखें, गर्भावस्था के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें। Welcome back, and we are in conversation with the very versatile, the very well-known actor Rajesh Tailang. हम बात कर रहे थे योग की और हमने योग देखा भी। किस तरह की अवेयरनेस आपको लगता है भारत में आई है और विदेश में आई है? हमारे प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव लिया है by giving योग to the world as a part of India's great cultural heritage. मेरे ख्याल से क्या है कि एक स्वस्थ तन होता है, उसी में एक स्वस्थ मन होता है, और स्वस्थ मन और स्वस्थ तन से ही विकास हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने जो वर्ल्ड योगा डे का करवाया और इस तरीके से सारे स्कूलों में और हर जगह जो ये जो योगा का शुरुआत हुई है, मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। इसकी जो महत्व अब समझ में आने लगा है लोगों को, हालांकि करते रहे, पहले कुछ लोग करते थे और विदेशों में कुछ लोग करते थे, लेकिन अभी हर किसी को समझ में आया है कि योग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत एक्सपर्ट हो जाना है उस पे या कोई गुरु ही बन जाना है उसके लिए, ये नहीं है। हर आदमी योग कर सकता है और अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकता है योग को, जो आपको बहुत हेल्प करता है। आप बीकानेर के रहने वाले हैं, तो किस तरह की आपकी लाइफस्टाइल थी बचपन में? कुछ छुटपन के दिन याद है कुछ, की पेरेंट्स ने किस तरह इंस्पायर किया, या क्या आप याद करेंगे बीकानेर का, क्या बताएंगे हमें? बीकानेर में हम लोग तो पुराने शहर में रहते थे, छोटे मोहल्ले में, और पूरे घर एक छतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और सारे लोग कल्चर वाले थे, मतलब कोई मामा जी मेरे पेंटर थे, और इस तरीके से सारे लोग आर्ट के फील्ड से थे, म्यूजिशियंस थे, कार्टूनिस्ट थे, तो इस तरीके से तो वो बड़ा अच्छा माहौल रहता था। तो नाटक की मेरी शुरुआत, मैं आपको बताता हूँ, एक दो किस्से सुनाता हूँ छोटे छोटे से। एक ये कि मेरे चाचा जी ने एक प्ले करवाया था, हम तीनों कजिन्स को, चारों कजिन्स जो चारों हम भाई हैं, चचेरे भाई, उनको लेके महाराणा प्रताप शक्ति सिंह का और उसमें भी मुझे बुड्ढे का करेक्टर दे दिया, तो मेरे साथ बुड्ढे का करेक्टर शायद बचपन से जुड़ गया था, तो वो वाला किया था। तो उसमें लेकिन मैंने एक दिन जिद करके महाराणा प्रताप का करेक्टर भी किया। उसकी एक लाइन मुझे अभी तक याद है, वो सुनाता हूँ। वो थी कि भुजदंड के घमंड में मतवाले उद्दंड, अपनी उद्दंडता का उचित दंड पाने के लिए तैयार हो जा। वाह वाह वाह, ये कोई, मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं 8-9 साल का था तब भी, टंग ट्विस्टर था, ये 8-9 साल की उम्र में ये किया था नाटक। और मेरी दीदी जब बाहर चली जाती थी, तो बच्चे थे उनके दोनों, तो वो रोते थे कि मम्मी बाहर नहीं जाएगी, तो मेरी दीदी क्या करती थी, मुझे अपनी साड़ी पहना देती थी, तो मैं दीदी बनके उनके साथ बैठा रहता था ताकि रोते नहीं थे। तो वो भी शायद ये दो एक्टिंग के प्रभाव शायद बचपन में आए थे मेरे, तो इस तरीके से बड़ा मजेदार रहा। कुछ गुनगुना दीजिए बीकानेर का, कुछ राजस्थान का। केसरिया वालम मांड, मैं इतना गायक नहीं हूँ, मैं घर का सबसे बेसुरा व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं आपको, मैंने NSD के एडमिशन के लिए कुछ फोक सॉन्ग जरूरी होता है, तो मैंने भूंगर खां करके एक बड़े सिंगर थे, फोक सिंगर, उनको पकड़ के सीखा था, बहुत हाथ पैर जोड़ के, कि NSD में एडमिशन होना है, मेरा एक दो फोक सॉन्ग सिखा दीजिए। तो एक छोटा सा था, वो सुना था आपको, उतार बालम बिछुड़ो में दड़ी खेल बा गई, छोड़ो चुगती ने काटो भागो रे बिछुड़ो, छोड़ो चुगती ने काटो भागो रे बिछुड़ो, माया रो लोभी बिछुड़ो, दमड़ा रो लोभी बिछुड़ो, अरे गई मर गई, अरे रे 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 रे, अरे गई मर गई, अरे अरे रे रे, उतार बालम बिछुड़ो में दड़ी खेल बा गई। ये छोटा सा है मेरा, आज मतलब आज ज्यादातर अच्छे सिंगर्स बोलते हैं कि गला खराब हो रहा है, लेकिन मेरा गला खराब हो रहा है और मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ, ये दोनों ही बातें सच है। नहीं, बहुत सुंदर। और यहीं पे दो बातें आपसे सुनना चाहूंगी, आपकी एक नई फिल्म, बड़ी फिल्म आ रही है अगले हफ्ते, अय्यारी,
तो उसमें आपका तैयारी आ रही है 26 जनवरी को और मुक्काबाज आ रही है 12 जनवरी को। जी, तो दो बड़ी फिल्म आ रही है। अय्यारी के बारे में, जो आपका कैरेक्टर है, अय्यारी का मतलब क्या है? अय्यारी का मतलब जैसे वो जो भेष बदलने में जो निपुण होते हैं, बहुरूपिया की तरह से। हाँ, एंड दिस इज नीरज पांडे, नीरज पांडे जी की फिल्म है। वो बहुत ही इतना प्रिसाइज और क्लीन काम करते हैं और इतना अच्छा काम करते हैं कि उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। इसमें मेरा एक थोड़ा नेगेटिव करेक्टर है, मैं उसमें एक आर्मी ऑफिसर का ही करेक्टर कर रहा हूँ। ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आर्मी एंड पुलिस। कोई ऐसी मैसेज देना चाहेंगे आप उभरते हुए कलाकारों के लिए? उभरते कलाकार, उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम से प्यार करें। काम करने को आपको ज़रूर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन काम करते रहिए। हमारे टीचर थे जो कहते थे, कारण साहब, वो कहते थे कि प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, सिद्धि के पीछे भागो। आप सिद्धि हासिल कर लोगे तो प्रसिद्धि स्वयं चली आएगी। बिल्कुल, और इसी बात पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेनी मोर नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स टू यू राजेश जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी डू होप यू एंजॉयड द प्रोग्राम एज मच एज वी एंजॉयड प्रेजेंटिंग इट फॉर यू। डू सेंड अस योर फीडबैक एट aajsavere@ddkdaily.org.in। विद दिस इज अ रैप ऑन दिस एडिशन ऑफ आज सवेरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। नमस्कार।